हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, आज का हमारा व्लॉग होगा जी बूरबन टू नीलम वैली। तो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले सोचा कि थोड़ा बहुत काफ़ी लिया जाए, यहाँ से खाना वगैरह खा के, और उसके बाद जरा ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर खाने पीने में से सबसे जो अच्छी चीज़ थी ना, वो यहाँ की चाय थी। और खाना खाने के बाद सोचा कि थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की ब्रेक ली जाए। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और चलें साथ में खड़े हो गए, थोड़ा सा सिगरेट भी पी लेते हैं। तो लीजिए, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ये सारा ट्रिप प्लान किया था नीलम वैली के लिए। और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि वहाँ पे पथलियाँ लेक को जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। तो कोशिश तो पूरी रहेगी, जो आगे अल्लाह का मंजूर। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ पे शाम का, बहुत खूबसूरत, और दूर से ये दरिया नीलम ही नज़र आ रहा था। ये आप लोगों को कुवाला से थोड़ी देर पहले नज़र आएगा, और बहुत ही प्यारा। यहाँ तो होगा सुबह सुबह का मंज़र बहुत प्यारा, और नहीं तो शाम का, दोनों में से जो सा भी आप मंज़र देख लें बहुत ही प्यारा होगा। और रात को तकरीबन 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए मुजफ्फराबाद, एंड मुजफ्फराबाद इज अ बिग सिटी, इसलिए सोचा कि यहीं से फ्यूल फिल अप कर लिया जाए। और फ्यूल फिलअप करते करते हमने साथ में रास्ते की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली, और अभी तो थोड़ी सी बैटरी चार्ज है, जब तक बैटरी चार्ज है तब तक ड्राइव करते हैं। जहां पे देखेंगे कि बैटरी डाउन हो रही है वहां पे रात को स्टे कर लेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अपनी ट्रैवलिंग जो है ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ। क्या नाम है होटल का भाई? फाइव स्टार गेस्ट हाउस। और रात को करीबन 1 बजे हम लोग पहुंच गए बाटा नीलम वैली में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए हम लोगों को रूम भी टॉर्च की रोशनी में देखना पड़ा। बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन पूरी नीलम वैली की रात को 12 बजे के बाद लाइट ऑफ कर दी जाती है, तो इसलिए हमारा 5-स्टार गेस्ट हाउस फुल अंधेरे में डूबा हुआ था। और जब सुबह को उठ के बाहर का नज़ारा देखा, एक दफ़ा दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे बादल नज़र तो आ रहे थे पर दूर दूर थे, और सूरज पूरे अपने अरूज पे था। हाँ जी भैया, रेडी फॉर ट्रैक? लेट्स गो। और यहाँ पे सूरज को देख के कोई सोच भी नहीं था सकता कि आगे हमारे साथ क्या बुरा हाल होने वाला है।
ये है मेरा पाकिस्तान, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं। और रास्ते में जाते हुए ही हमें लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ गया, और उसके साथ ही एक बुरी खबर और थी कि पता चला कि जो पतलिया लेक का रास्ता वो भी जो है ना बंद हो चुका है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्पेशल इसलिए आए थे कि पतलिया लेक का ट्रैक करना था, और पता चला है कि वहाँ का रास्ता कम्प्लीटली बंद है, क्योंकि ये तो सैलाब का मौसम भी था। आप लोग जानते होंगे कि अगस्त के बाद काफ़ी जो है ना नीलम वैली का और काफ़ी दूसरे इलाकों में जो है ना सैलाब ने काफ़ी मुतासर किया था, तो इस वजह से उसका जो एक ब्रिज था जिसको क्रॉस करके आप ट्रैक पे जाते हो वो ब्रिज टूट चुका था। बहरहाल फिर भी दिल तो यही कह रहा था कि अभी इतनी दूर आए किसी ना किसी तरीके से हम लोग पतलिया पहुंच जाएं, और दिल यही कह रहा था कि जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से शायद हम लोग पतलिया पहुंच सकें। और जो लोग नीलम वैली जा चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर है ना वो यहीं पर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड पर है जो पार्ट है वो पाकिस्तान का है, और जो दरिया के उस तरफ जो पार्ट है वो इंडिया का है। और ये जो राइट साइड पे पहाड़ के ऊपर आप जो मकान देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं जो इंडिया में आते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं लवाद में, लवाद नीलम वैली, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर पतलिया लेक की तरफ। और फिर से एक दफ़ा कोशिश करते हुए बंदों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं कि किसी तरीके हम लोग घोड़ों के ऊपर पैदल ट्रैक के जरिए किसी तरीके से हम लोग जो है ना ऊपर जा सकें, पर हर बंदा यही बोल रहा था कि रास्ता कम्प्लीटली बंद है। और ऑलरेडी हमको यहाँ पर 12 बज चुके हैं। और जब इतनी कोशिशों के बाद जब कुछ ना बना तो फिर सोचा चलें रती गली के लिए जो है ट्रैक कर लेते हैं, अभी इतनी दूर तो आए हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो देख ही जाएँ। और रती गली में ऑलरेडी 2 दफ़ा जा चुका था, तो फिर क्योंकि इतनी दूर आए थे तो इसलिए चले सोचा कि चलें कुछ नहीं तो चलो रती गली का ट्रैक कर लेते हैं। गया हूँ मैं 2 दफ़ा गया हूँ रती गली, चले गए 2 दफ़ा गया हूँ, ट्रैक भी ठीक नहीं है और 18 किलोमीटर सफर भी आगे बता बता मतलब सरकार के रोड है वहां के लगाया था दरअसल ही लगा भी लो जब पैक हम घोड़े में बैठ के चले गए रात सी है नहीं इधर मैं रात सॉरी पत्थर बहुत दूर है वहां से बहुत साइड पे पत्थर है। और फिर हम लोगों ने ग्वालियर से जीप ली और रती गली का ट्रैक स्टार्ट कर लिया। और ये जो खुशी आप हमारे चेहरों पे देख रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे ट्रैक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी कम होती जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई। और ये बिल्कुल सही था,
वाकई अभी पार्टी शुरू हुई थी। पीड़ा निकल गई आज। और भाई ऐसे लड़के जाते हो जब भी जाते हो, है पक्की आदत हो गई है। कितना ये ट्रैवल कर रहे थे, एक दिन में दोनों एक दफा? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो आप, क्या महसूस कर रहे हो सर? और फिर अभी आधा भी रास्ता नहीं था हुआ और भाईजन की जीप हीट अप हो गई और उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा। और ये जो सामने आग जलती हुई आप देख रहे हो, ये गरम गरम पकौड़े निकल रहे थे और यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. और यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ये ट्रैक कैसा है, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक इन पाकिस्तान। तो इसलिए कह रहा था कि अगर जीप लें तो प्लीज़ जीप को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर, बहुत बहुत अच्छी जीपें हैं। मैं इससे पहले दो दफ़ा यहाँ जा चुका हूँ, कोई मसला नहीं था हुआ। बहरहाल ये जो हमारी ये जो जीप थी ना, ये अब हम लोग अतल कुर्सी पढ़ पढ़ के ही वापस आए थे इस जीप के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो है ना बरसात का मौसम था और काफ़ी वगैरह सैलाब भी आए हुए थे और बारिशों की वजह से रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वैसे इतना ख़राब रोड नहीं था पर बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। कितना रहेगा बाकी अभी? बहुत मज़ा आ रहा है। इस दफा काफ़ी चेंज हो चुका है रूटीन, क्योंकि ट्रैक लास्ट ईयर मैंने किया था, इस दफा थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इस दफा हमें नहीं जाना, पिछले साल भी इतना ज़्यादा नहीं था, इस साल तो टू मच हो गया। और आप लोग यहाँ पे इन लोकल्स को भी देखें कि इस जीप में इन लोकल्स का क्या हाल हो रहा है। हम लोग तो फिर भी चलो फॉरनर्स से, तो ये जहाँ पे ये लोकल्स हैं जिन्होंने एवरीडे आना जाना है, उनका हाल क्या हो रहा है, ज़रा प्लीज़ आप ये भी देखिए। Thank you.
कैसे? अब भाई तुम सही जगह पर बैठ गया अभी मैं, और बड़ी ज़्यादा सीट है मेरी, ये पीछे देखते देखते क्या करने लगी, खाने लगी टक्कर दूँ। और अभी वो इस जीप की सबसे अच्छी सीट पर बैठा था जो उसका स्टंपिंग टायर था, और इस जीप की सबसे अच्छी सीट वही थी। वो फिर यहाँ पर पहुँच कर सूरज गायब हो चुका था और बादल ऊपर घने आ चुके थे। बहुत ही गंदा ट्रैक हुआ था बारिश की वजह से, बहुत ही गंदा ट्रैक हुआ। और इन नज़ारों को आप सब यही बोल सकते हैं, वाह सुभान अल्लाह। और यही वो नज़ारे हैं जो हर साल मुझे खींच खींच के पाकिस्तान ले जाते हैं। और फिर यहाँ पर आपके बाइक को हीरो बनने का बहुत शौक निकला, सब लोग जीप से उतर गए इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए, पर मैंने कहा चले मैं मुकरी बनाता हूँ जीप पे चढ़ के, और आप देखिए फिर मेरा क्या हाल हुआ। वो कहते हैं ना फिर कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हमारी किस्मत पे शायद नहीं था ये। लत बच गई मेरी, थक नहीं गया, बारिश आ रही है, तेरे वापस आ, थक गया तू ना, एडा तू सियाना, एडा तू सियाना थक गया तू।
और फिर हम लोगों में इतनी सेंस तो है थी कि रास्ते में बारिश भी आ सकती है, इसलिए हमने जाने से पहले उससे पूछ लिया कि आपके पास बंदोबस्त है। तो भाई साहब ने बोला हाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त है, और आप लोग ये देखिए कि कैसा बंदोबस्त है। और फिर जैसे भाई ने बोला था कि ये चोना है, और वाकई उसमें इतने के छेद थे कि उसके ऊपर डालने का कोई फायदा नहीं था। हम लोग ज्यादा परेशान हुए इसकी वजह से, और हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हुए उसकी वजह से। कितना रास्ता आगे भाई साहब? और फिर कुछ ही देर बाद सब लोगों का इतना बुरा हाल हुआ कि कोई भी किसी को संभाल नहीं सका, हर कोई अपने अपने संभालने में लग गया, और इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया। जीप के अंदर सब पानी ही पानी आ चुका था, जैसे आपको बताया था कि इस जीप के जो उसमें ऊपर ये जो कवर डाला था वो सारे का सारा जीप था। और आप लोग ये ट्रैक की हालत देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। बहुत बुरा हाल हो गया, अंदर का हाल देख सकते हैं आप लोग, हम सब का इतना का बुरा हाल हुआ है इस चीप में, छह साबिक हुई थी ये तरपाल डाली थी ऊपर, सारी की सारी लीक थी ये तरपाल। और फिर इसके बाद बारिश एक दफ़ा से फिर आई और उससे भी ज़्यादा तेज आई, और इसकी वजह से बेस कैंप तक जाते हुए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि हमारी जीप बहुत ही उमदा थी, तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। और बेस कैंप तक जाते जाते मौसम और ख़राब हो गया, और इस वजह से हम लोगों को अपनी जर्नी वहीं से ख़त्म करनी पड़ी और वापस आना पड़ा, क्योंकि दो दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी और मैं मेरी पूरी स्क्रीन का ले सकता क्योंकि रास्ते में कुछ भी लैंड स्लाइडिंग हो जाती कितनी ज़्यादा रास्ता बंद हो सकता, और इस वजह से हम लोगों ने अपनी वापसी वहीं से जमा कर ली, और जीप तक नहीं हम जा सकें ना कभी नहीं जा सकें। और फिर भी बहुत ही लोग नज़ारे थे, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र उसने जो है ना हमें सेफ अपने घर में पहुँचा दिया। और मज़ीद आगे आने वाले एडवेंचर्स देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले मिलते हैं आने वाले एडवेंचर वीडियो के साथ, जो होगी कमराट वैली, कैलाश और दीगर अपना जो नगर बल्तिस्तान की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।